in the hunt of greenery and scenic beauty. We landed in Odisha and we were mesmerized by the natural beauty and engineering marvel of mankind. Hills, reservoir, canal and long stretch of green fields make a perfect bouquet for a trip. We found this bouquet in Sambalpur. Hey friends, good morning. This is 5:30 in the morning and we are leaving for Sambalpur. We named this road trip as Green Road Trip because the whole way we got vitamin green by green fields, by hills, by forest. And when we started getting green plus blue view, we sure that we are in the world record city. अभी हम पहुंच चुके हैं संबलपुर. 10 बजे हुए हैं और ये हमारा रिजॉर्ट है, द वेलकम रिजॉर्ट. ये एक 4-star रिजॉर्ट है और हाईवे पे, इसलिए हमने इसे प्रेफर किया. आइए अंदर से आपको दिखाते हैं. The room was perfectly stunning with a balcony view of jungle. After having breakfast and a break, we moved for our first destination. अभी हम खड़े हैं world's longest man-made dam में. Yes, हीराकुंड डैम. ये जो डैम है महानदी पे बना हुआ है. महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है. उसकी वीडियो आप ऊपर दिए लिंक में जा कर के देख सकते हैं. और यहाँ महानदी कोल्ड फील्ड लिमिटेड ने CSR प्रोजेक्ट के अंदर गांधी मीनार डेवलप किया है, जिसकी ये रोप वे जा रही है. तो आइए अभी हम आपको गांधी मीनार दिखाते हैं. गांधी मीनार का टॉप व्यू तो बंद है, बट नीचे से या मीनार के बीच से देखेंगे तो नज़ारे कुछ इस तरह से दिखते हैं. पतझड़ के मौसम में जब ऐसी ब्यूटी है तो पता नहीं, जब पत्ते हरे होते होंगे तो ये कितना खूबसूरत दिखता होगा. आफ्टर हैविंग अ गुड टाइम इन आवर फर्स्ट स्पॉट, वी मूव्ड फॉर अनदर वन. गांधी मीनार से निकलने के बाद अभी हम आए हैं जो डैम का दूसरा एरिया है. ये बुरला टाउन में पड़ता है और यहाँ का जो टूरिस्ट पॉइंट है वो है नेहरू मीनार. आप यहाँ देख सकते हैं, नेहरू मीनार में रोप वे तो नहीं है जिसके आप राइड ले सकें, पर यहाँ का जो नज़ारा है वो वहाँ से ज़्यादा खूबसूरत है. इस टावर से हीराकुंड डैम की पूरी लंबाई दिखती है, जो कि है 4.8 किलोमीटर, जो दुनिया में सबसे लंबा है. मेजर पोर्शन ऑफ द डैम वॉज क्लोज्ड ड्यू टू सिक्योरिटी इश्यूज, सो वी मूव्ड फॉर सिटी. डे वन का नेक्स्ट स्टॉपेज है समलेश्वरी टेम्पल. अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए हम यहीं से आपको मंदिर के नज़ारे दिखा देते हैं. समलेश्वरी मंदिर से निकलने के बाद अगर आप कुछ सुकून के पल बिताना चाहते हैं तो बिल्कुल सीधा पैदल चलते हुए आइए. यहाँ महानदी का बैंक है, आप यहाँ पे बैठ करके शाम के पल बिता सकते हैं.
सिटी को एक्सप्लोर करते हुए हमने पाया कि शाम के लॉन्ग ड्राइव या इवनिंग वॉक के लिए महानदी पर बना बहुत ही सुंदर, बहुत ही लंबा एक ब्रिज है जो चौरनपुर को जाता है। सो आफ्टर वॉचिंग हीराकुड डैम, गांधी मीनार, नेहरू मीनार, समलेश्वरी टेम्पल, महानदी बैंक एंड ब्यूटिफुल सिटी, वी एंडेड अवर डे वन इन संबलपुर। दूसरे दिन की शुरुआत होते ही हम होटल छोड़ देते हैं और ये दिन हमने केवल आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए रोड ट्रिप के लिए रखा था और एक सेंचुरी जिसके बारे में सुन रखा था वहाँ जा रहा था। सेंचुरी के रास्ते इतने ज़्यादा खूबसूरत थे कि वो खूबसूरती आंखों में नहीं समाती थी। गूगल को फॉलो करते करते 60-70 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, इस बीच हमने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती देखी जहाँ केवल और केवल हरियाली होती है। लहलहाते धान के खेतों और मेड़ों पर पलाश के पेड़ों ने साथ मिलकर खेतों की पेंटिंग बहुत खूबसूरती से की थी। इन रास्तों पर आप अपनी 360 डिग्री घूमकर भी देखेंगे तो केवल हरियाली ही दिखेगी। कुछ देर बाद हम ऐसे रास्ते पर चल पड़े जो कैनल और खेतों के पैरेलल था। ये कैनल इतने ज़्यादा चौड़े थे जो किसी नदी से कम नहीं लगते थे। इन कैनल्स के थ्रू हम रिजर्वॉयर तक जाने का रास्ता देख रहे थे क्योंकि डैम से आप पानी को ऊपर से तो देख सकते हैं पर छू नहीं सकते, तो रिजर्वॉयर जा कर के हम पानी को फील करना चाहते थे। ये खूबसूरत व्यू एंजॉय करते करते हम रिजर्वॉयर जहाँ से कैनल शुरू होती है वहाँ पहुँच ही गए। हे, दिस इज फर्स्ट स्पॉट ऑफ डे टू। हम हीराकुंड के पास एक सेंचुरी है, डेबरीगढ़ सेंचुरी, वहाँ जा रहे थे। ऑन द वे हमने फाइंड आउट किया एक रिजर्वॉयर, वो बहुत ही खूबसूरत है। कैनल से पैरेलल लगभग 20-25 किलोमीटर चलते हुए आए और ऊपर आने के बाद जहाँ से कैनल शुरू होती है वहाँ का ये व्यू। जहाँ तक भी आप देख सकते हैं केवल आपको पानी और पहाड़ ही नजर आएगा। रिजर्वॉयर की रोड को सीधा फॉलो करते करते हम पहुंच गए डेबरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। डेबरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के गेट में ही एक अप्पू हाथी आपको वेट करता हुआ मिलेगा। इस सेंचुरी के सफारी की बुकिंग ऑनलाइन होती है जो पहले ही करानी होती है, और इन केस अगर ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है तो यहाँ आने के बाद अगर सीट्स अवेलेबल रही तो सफारी मिल जाती है। हमने पहले ऑनलाइन बुकिंग नहीं की थी ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, सो वी आर वेटिंग फॉर अ टर्न इफ वी गेट। आधा दिन निकल चुका था, सफारी कुछ 3 से 3.5 घंटे की थी, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा हमारा इंतज़ार नहीं किया और वापस चल पड़े। वापस जाते वक्त हमने सोचा कि जिस सड़क को पकड़ करके हम सेंचुरी में आए हैं क्यों ना देखें कि उसका दूसरा छोर कहाँ है, तो हम उस रोड पर आगे की ओर चल पड़े जहाँ तक भी वो जाती है। 8-10 किलोमीटर इस रोड पर चलने के बाद हमने पाया कि यह रोड आगे जा कर के जवाहर मीनार को मिलती है, तो अगर आप चाहें तो वहाँ से भी आ सकते हैं। इसके बाद हम वापस चल पड़े अपने होम टाउन रायपुर की ओर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।